हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता। आज हम ड्राई चिली चिकन बना रहे हैं। आप एंड तक वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम सॉस बनाते वक्त एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो जाएगा विदाउट अजीनोमोटो का, क्योंकि अजीनोमोटो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। आज हम और मेरे हस्बैंड मिलकर बना रहे हैं, तो ये मैरिनेट करके वही रखे थे। तो मैरिनेशन में गया था आपका, मैं बोल देती हूँ, जिंजर गार्लिक चिली एंड सॉल्ट, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने मैदा और थोड़ा एक चम्मच कॉर्नफ्लावर से मैं इसको एक्चुअली मेरे हस्बैंड इसको मैरिनेट करके रखे थे। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए, ये जो जैसे मैं कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए अंदर ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर ऑनियन, जिंजर गार्लिक, ये थोड़ा सा कैरेट वो डाले हैं। और इसके बाद आप इसमें सोया सॉस, थोड़ा सा विनीगर और कॉर्नफ्लावर घोल के आपको इसमें डालना है। कॉर्नफ्लावर आप तो ठंडा पानी में घोलिएगा। ये देखिए यहाँ पे फ्राई चल रहा है, ये मैं बना रही हूँ और ये वो बना रहे हैं उसका ग्रेवी। थक गए हैं, बहुत गर्मी है और हम लोग ने थोड़ा सा स्वीट एंड सावर किया था बोल के थोड़ा सा शुगर भी डाला है। अब ये तड़का लगाने के लिए क्या हो रहा है, ये हमारा स्पेशल तड़का है। मतलब ये जो सॉस है ये बन जाने के बाद इसमें थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा बचा हुआ था ये क्यूब ऑफ कैरेट, इसको थोड़ा सा करके दे देंगे। ये थोड़ा कलर लाएगा और चिली और गार्लिक जो है ये थोड़ा फ्लेवर लाएगा, रॉ फ्लेवर लाएगा। मतलब वो तो जो भून चुका है लेकिन इससे थोड़ा एक रॉ फ्लेवर आएगा। ये क्या है ना कि जब उतरने से पहले इसको कढ़ाई से उतरने से पहले इसको दे के कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा इसको हम डालेंगे। चलो चलिए दीजिए, हम डालिए। ये हो गया स्पेशल तड़का सॉस का। ये करने के बाद ये मिक्स कर दिया, लेकिन इसको भुनेंगे नहीं, ऐसे ही मिक्स हुआ रहेगा। इसका एक तो एक्चुअली रॉ स्मेल आएगा, सेंट आएगा। हाँ, अभी इसको गैस दिखा दो। मेरा यहाँ पे पकोड़ा फ्राई हो रहा है। अब इसको हम लोग आज दोनों मिलकर बना रहे हैं। बहुत गर्मी है, दोनों एकदम नहा चुके हैं पसीना से, लेकिन हम लोग को खाना है। अभी ये सारे पकौड़ा जो है एक के बाद एक चला जाएगा इसके अंदर में। इसको पूरा तो हम लोग उबाल लेंगे, गीला फ्राई बोलो। इसको हम अपने तरफ से ऐसे करते हैं कि उतना भी ड्राई नहीं रहेगा, उतना भी गीला नहीं रहेगा। और हाँ, एक चीज़, इसमें आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। आज था नहीं तो मैंने यूज़ किया नहीं, रात का नहीं, इवनिंग का ही था, लेकिन थोड़ा रात की तरफ टाइम जा चुका है। रात हो चुका है तो ये हो गया। इसको अभी हल्का सा ढक दीजिए, कवर इट। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, मैरिनेशन के वक्त आप इसमें एक और लेमन जूस डालिएगा, पूरा हाफ या फिर एक गोटा लेमन। तो क्या होता है, इसका चिकन का जो एक हीक होता है वो भी चला जाता है और एक डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। और आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।